हाय गाइस, दिस इज डॉन फ्रॉम फिललाइफ और आज हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। अगर मार्केट कैप और असेट्स देखें तो मार्केट कैप और असेट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक लगती है, और इनका जो रिलेशनशिप होना चाहिए मार्केट कैप और असेट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी कंपनी में आपको असेट्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट कैप के बेसिस पर तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। मार्केट कैप का मतलब होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो उससे हमको पता चलता है कि वेदर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये एक पैरामीटर प्ले करता है जिससे कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। बुक वैल्यू और डेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी ठीक लगती है। बुक वैल्यू आपको ये बताती है कि कितने रुपीज़ पर शेयर मिलेंगे अगर पूरी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2014 से 18 में कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ करी है अच्छे रेट से, और प्रॉफिट्स अगर देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी प्रॉफिट्स इसके ठीक लगते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं जो हमको हेल्प करते हैं पूरी कंपनी को एनालाइज करने में। मेजरली ईयर ऑन ईयर हमको इनका इनका पैरामीटर देखना चाहिए कि वेदर सेल्स और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जो एनालिसिस है उस पे रेगुलरली सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही है और रेगुलरली उसी लाइन पर चलती है तो हमारे लिए किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहता है कि वो ग्रो करती रहेगी। फर्दर अगर हम अर्निंग पर शेयर और फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2014 से 18 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी अच्छे रेट से इंक्रीज़ कर रही है, और इसी के साथ ही अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर रेट निकालें हम तो उस हिसाब से हम लोग को ये लगता है कि इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हो जाएगी। और इसी के साथ ही ग्रोथ रेट नहीं, सिर्फ अगर ये देखें, ये हमने कैलकुलेशन करी है सिंपली ऐसे करी है, करंट जो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट है उसकी ग्रोथ रेट को हमने एक्सट्रापोलेट करा है और फ्यूचर की अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट निकाली है जिससे कि हमको 2023 तक की फिगर्स मिल पाई हैं यहाँ पर आगे का एनालिसिस करने के लिए। इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर प्राइस की बात देखें और प्राइस बैंड की बात देखें तो यूजली जो पीई बैंड होता है वो आपका एक रेंज में ही चलता है, मिनिमम मैक्सिमम का एक रेंज रहता है जिसके बीच में ही ये पीई बैंड ट्रेड करता है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा ही बाहर होते हैं हम उन पीई बैंड्स को कंसिडर नहीं करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट पी फ्यूचर का प्राइस निकालने के लिए हम लोएस्ट पी और हाईएस्ट पी को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर जो हमारा आया है, जो आपने पिछले इसके पहले 5 सेकंड पहले की वीडियो में देखा था। तो वो ही चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूसली तो हमको आगे ये मिलता है कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या हो सकते हैं। करेंटली हमारे 2023 के फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये निकल के आते हैं, और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि आगे आने वाले 5 सालों में हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इतने हो जाएंगे। तो मेजरली ये जो हमारा एनालिसिस है और जो ये तरीका निकाला है हमने, जिस तरह की फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालते हैं हम एक्स्ट्रापोलेट जो किया है, ये एक बहुत सिंपल तरीका है और कम्प्लीटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे हमको ये आइडिया लगता है कि कितना कंपनी आपकी बढ़ती जाएगी और कैसे आपको रिटर्न्स दे सकती है आने वाले आगे 5 सालों के अंदर। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी बढ़िया लग रही है, अभी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है अपने रिटर्न्स में और प्राइसेस में। इसी के साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे नंबर्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों फिगर्स हमारी परसेंटेजेस में होती हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ ग्रो करा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितने अच्छे तरीके से मैनेज है 2018 में। कैश फ्लोज़ की अगर बात करी जाए तो कैश फ्लोज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैश फ्लो जो हैं वो भी अच्छे से मैनेज्ड हैं। कैश फ्लोज़ में आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज़ तीनों सही से मैनेज कर रखे हैं, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और रेगुलरली ऑपरेटिंग इनफ्लोज हैं, इन्वेस्टिंग में कंपनी पैसा लगा रही है और फाइनेंसिंग इनफ्लोज या आउटफ्लोज हैं। तो ये सारे ही पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल हमको अगर यहाँ से एनालिसिस करके देखें तो कंपनी सही लग रही है। ऑडिटर्स की बात करी जाए तो कंपनी के ऑडिटर्स काफ़ी सही हैं। सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही कल चल रही है कंपनी। करंट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी ठीक लग रही है, डिविडेंड बहुत कम देती है, और म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कंपनी में कितनी है। एमडी की बात करी जाए तो एमडी देख सकते हैं, और वॉल्यूम्स रेगुलरली कंपनी में रहती है। तो लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लस ऑडिटर्स की अगर बात करी जाए तो ऑडिटर्स अगर सीनियर ऑडिटर्स हैं या बिग फोर्स हैं तो वो एक बहुत अच्छा पैरामीटर ऐड करते हैं कंपनी में और कंपनी को ज़्यादा एथिकल करते हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा ही जब भी हम किसी कंपनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें रेगुलरली और अपडेटेड प्राइसेस के साथ, क्योंकि हमारी मंडे टू फ्राइडे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और
अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप वो भी कर सकते हैं, प्लस आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं हमारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह ये कैलकुलेशन करने हैं और वीडियोज़ को और किस तरह एनालाइज करना है स्टॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, जिससे कि आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और प्रॉफिट्स में जितना भी प्रॉफिट्स कंपनी निकाल रही है प्लस उसका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और स्टॉक प्राइसेस में इन्वेस्ट करके, या फिर किसी स्टॉक में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उससे निकल के कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। साइनिंग ऑफ।